तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इफ, और इफ की हमारी दूसरी क्लासेज है। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ी सी स्लोली स्लोली इसको पढ़ रहे हैं। हम एक दिन में कम टॉपिक करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। तो अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे हमारा आता है कि हमारे पास अगर दो कंडीशंस हो तो कैसे यूज करें हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 to 60 के बीच वाला, 50 to 80 कर देते हैं, 50 to 80 के बीच वाले को 500 का इंसेंटिव देना है, बाकियों को 0 देना है। अब एक इफ के साथ हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, उसको 500। अब दो कंडीशन यहां हम इकट्ठा इफ के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन, एक इफ एक कंडीशन। तो यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका? एंड का। एंड के अंदर में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, ग्रेटर देन 50, फिर वापस इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू या लेस देन 80। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो याद रखिएगा एंड जो है वो आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देता है, और इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इफ का फॉर्मूला तो है ही। तो मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि एंड का रिजल्ट अगर ट्रू है तो यहाँ पे 500 का रिजल्ट आए, नहीं तो 0 रिजल्ट आए। और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, जहां जहां आपको 500 दिखेगा वहां वहां आपको यहां मिल जाए। तो एंड फॉर्मूला समझ में आया सबको? किसी को डाउट एंड फॉर्मूले में? हम दो ही नहीं, दो से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। मोर देन वन कंडीशन के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन नहीं होती है कि हम दो कंडीशन में एंड यूज करें। जैसे कि यहां पे मुझे क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे हो तो ऑफ देना है, अदरवाइज ओपन देना है। सैटरडे एंड संडे हो तो क्या देना है? ऑफ देना है, अदरवाइज ओपन देना है। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम एंड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते एंड यूज? क्योंकि एक सेल में या तो सैटरडे होगा या संडे होगा। तो इस केस में हम और यूज करेंगे कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे है कॉमा, अगेन सेलेक्ट किया, बोला इक्वल टू संडे है। अगर सैटरडे है या संडे है तो ट्रू आ जाएगा। अब इस ट्रू को हम अपने रिकॉर्ड में फिक्स कर देते हैं कि इफ ऐसा है तो ऑफ, अदरवाइज ओपन। ठीक है? तो यहां पे मैंने दो फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला बताया एंड का, दूसरा बताया और। तो इसके बारे में पहले जान लीजिए, एंड का फॉर्मूला हो या और का फॉर्मूला, हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास कई सारे कंडीशन हो। अब मैं दो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कई सारे कंडीशंस की, कि कई सारे कंडीशंस हो और उसका रिजल्ट एक सिंगल हो। कई सारे कंडीशन का रिजल्ट सिंगल हो, उसके लिए यूज करेंगे एंड या और फॉर्मूला। एंड कब यूज करेंगे? जब आपके पास कई सारे कंडीशंस हो लेकिन रिजल्ट आपको एक ही देना हो। कई सारे कंडीशंस में क्या हो? रिजल्ट एक देना, मतलब सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए जो भी कंडीशन डाल, तो हम एंड यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे? कोई एक कंडीशन ही चलेगा। अब चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में बढ़ाते हैं। जैसे कि आपके पास दिख रहा है कि मेरे पास सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट है, और मुझे इन चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट देना है। कंडीशन ये है कि अगर सारे सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है तो पास देना है, नहीं तो फेल देना है। सारे सब्जेक्ट 40 से ऊपर, तो 40 हमारी क्या हो गई? पासिंग मार्क हो गई। तो 40 से ऊपर, तो यहां हम देंगे कंडीशन एंड का।
हमने सिलेक्ट किया एक 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 करके कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कॉमा, इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कॉमा, और इसको सिलेक्ट करके दिया 40, एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट आया फॉल्स। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इसको तो हम जनरली एक बार में नहीं कर सकते, एक बार में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दिया और काउंट इफ में हमने इसको दिया और बोला कि इन्वर्टर कॉमा में ग्रेटर देन 40, तो ग्रेटर देन 40 जितने भी है ना वो सबका काउंट निकाल देगा कि 3 है, लेकिन चार सब्जेक्ट है चार होने चाहिए, तो यहां पे आप इक्वल कर दीजिए 4, तो 4 इज द ट्रूथ विद फॉल्स। लेकिन क्या डिफरेंस है काउंट इफ में और एंड फॉर्मूले में? डिफरेंस ये है कि एंड फॉर्मूले में हमें चॉइस है कि किस सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या डालना है, क्योंकि अभी ना मैंने बोला कि 40 है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हर सब्जेक्ट के लिए या हर कंडीशन के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन हो, तो वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे बेसिकली हम यूज करेंगे एंड फॉर्मूला, लेकिन जब फिक्स है तो हम यहां और से भी काउंट इफ से भी काम चला सकते हैं। अब इसको पास और फेल में कन्वर्ट करने के लिए हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि इफ अगर यहां पे आपका ट्रू है तो यहां पे पास आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाए, और नीचे तक हमने इसको ड्रैग। तो जहां जहां सारे सब्जेक्ट 40 से ऊपर है वो पास है, जैसे 36 है, अगर 36 को मैं 63 कर दिया तो ये पास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ और कंडीशंस में, मतलब और की कंडीशंस में, तो जैसे यहां देखिए कि मेरे पास कुछ आईडी प्रूफ्स है, मतलब हमने ये बच्चों से आईडी प्रूफ मांगे हुए हैं। अब आईडी प्रूफ में हमने च्वाइसेज है कि आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट एक दे देता है, कोई स्टूडेंट दो दे देता है, कोई तीन दे देता है, लेकिन मैं एक भी आएगा तो काम चल जाए, तो मुझे स्टेटस में ओके देना है कि किसी एक पे भी आपको वाई मिला तो स्टेटस ओके कर दीजिए। अब इसको जो है हम काउंट ए फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, काउंट ए फॉर्मूला, तो इसके अंदर जितने भी वाई होंगे उसका काउंट करके दे देगा। अब यहां पे मैं कर दूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने यहां पे एन डाल दिया भाई वाई, माने कि यस नो यस नो, तो फिर आपका काउंट इफ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि काउंट इफ को इससे कोई काउंट को काउंट काउंट इफ फॉर्मूले को कोई लेना देना नहीं है कि इसके अंदर वाई है क्या। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ इसको सिलेक्ट करते हैं और हमने बोला कि कॉमा वाई, तो जितने भी वाई होंगे उसका काउंट दे देगा आपको यहां पे, तो यहां पे कॉमा देना भूल गए, टू आया। अब इसमें आप कर दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू फॉल्स आ जाएगा, और इफ फॉर्मूले से तो ट्रू फॉल्स को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप काउंट, अगर आपको यहां पे वाई वाई सिर्फ हो कितने फील है वो चेक करना हो तो हम काउंट लगा लें, या पर्टिकुलर करेक्टर काउंट करना है तो काउंट इफ लगा लें, लेकिन मुझे अपने हिसाब से कंडीशन देना है कि पैन के लिए कुछ और देना है, डीएल के लिए कुछ और देना है, उस केस में हम लगाएंगे और का फॉर्मूला, और दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, यहां डीएल को सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, वोटर को सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, पासपोर्ट को सिलेक्ट किया कि इक्वल टू वाई कॉ, यहाँ पे कॉमा हमने यूआईडी को सिलेक्ट, देन एंटरप्राइज, रिजल्ट ट्रू आए, ट्रू या फॉल्स। अब इस ट्रू फॉल्स को ओके पेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके आगे इफ का इस्तेमाल करें, इफ ऐसा है यहाँ पे तो कॉमा ओके अदरवाइज पेंडिंग, ओके अदरवाइज पेंडिंग। लेकिन यहां पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई, कंडीशन चेंज ये हो गई कि हमें बैंक में देना है और बैंक बोल रहा है कि हमें दो आईडी प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए, दो आईडी प्रूफ,
मतलब कि पैन नंबर तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे हम एंड में, क्योंकि पैन तो होना ही चाहिए इसलिए पैन को हमने वाई में डाल दिया, तो इसलिए एंड में डाला, और फिर चारों में से कोई एक तो और डाल दिया। तो एंड और को मैंने यहां पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इक्वल वाई कॉमा दैट इज इक्वल वाई कॉमा दैट इज इक्वल वाई। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके साथ। ठीक है, खुद ही करें इसमें। कृष्णा जी, सुदेश जी, कोई दिक्कत? मनीष जी, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, मैं डाउट है तो मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। पूछता हूँ। ठीक, मनीष जी, समझ में आ गई सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर, डाउट नहीं आते। अब बारी आती है, हम एक्स और फॉर्म लेंगे। किसकी? एक्स और। क्या होता है कभी कभी मुझे दो में से कोई एक को चॉइस करना हो, अब कौन सा होगा उसकी गारंटी नहीं। इसे यहां पे क्या है कि एडवांस सैलरी है और लोन है। अब कोई बंदा दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकता है, या तो सैलरी एडवांस ले ले या फिर लोन। आपको लोन भी दे दिया जाएगा, एडवांस सैलरी भी दिया जाएगा, ऐसे कौन नहीं है, मतलब दोनों में से किसी एक पे मुझे टाइप करना है। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहां पे हम यूज करते हैं एक्स और। एक्स और फॉर्मूला, ये आप आई थिंक डिस्क्रीट मैथमेटिक आपने पढ़ा होगा, लॉजिकल ऑपरेशन में आपने दिया होगा कि इसमें क्या होता है कि ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो ए आपका फॉल्स आया, नहीं वो हमने गलत कर दिया। एक्स और, एक्स और हमने लिया कि दैट इज ग्रेटर देन 0 कॉमा दैट इज ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन रहा एंड, ये आ गया ट्रू। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो फॉल्स आएगा, अगर हमने दोनों में लिख दिया तो आपका फॉल्स आएगा, लेकिन दोनों में एंट्री नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें लगाया है डेटा वैलिडेशन। तो इसी एक्स एक्स और फॉर्मूले को मैंने क्या किया, डेटा डेटा मेनू बार के अंदर गया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहां से कस्टम को सिलेक्ट किया, और उस एक्स और फॉर्मूले को मैंने यहां डाल दिया। ठीक है, हमने बोला कि पी इज ग्रेटर देन 0 एंड क्यू टू इक्वल टू 0, पी टू इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और क्यू टू इक्वल ग्रेटर देन 0। अब एक्स, अभी क्या है कि कस्टम फॉर्मेटिंग जब यहां ट्रू होगा तभी आपको एंट्री करने देगा, अगर फॉल्स हुआ तो एंट्री नहीं करने देगा। तो ट्रू कब होगा, जब दोनों में से किसी एक कंडीशन ट्रू होगा, मतलब कि आप किसी एक में एंट्री करोगे, दोनों में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, और ट्रू होने पे वो करेगा। फिर हमने इस डेटा वैलिडेशन को कॉपी किया और राइट क्लिक करके टेस्ट स्पेशल, और हमने कर दिया वैलिडेशन। अभी क्या हुआ कि अगर मैं इसमें टाइप कर दिया तो इसमें टाइप नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने इस पे टाइप कर दिया, इस पे टाइप कर दिया, तो हम इस पे टाइप नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा एक्स और फॉर्मूला। तो आज की क्लास में हमने जाना कि जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन हो, जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन हो तो कैसे हम यूज करेंगे एंड को, और को, और साथ में काउंट इफ, काउंट ए, काउंट इफ जैसे फीचर्स को भी हम कब कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम थोड़ी सी स्लो चलेंगे तो हम बात करेंगे, और सुरेश जी आपने जो बोला कि मल्टीपल कंडीशंस, सॉरी जो हमारा नेस्टेड इफ है जिसमें हम कई सारे कंडीशंस को डालेंगे लंबे लंबे फॉर्मूले में, ये हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि ये दिख रहा होगा इतना लंबा फॉर्मूला, जब तक एंड और की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसे लंबे लंबे फॉर्मूले थोड़ा सा सीखना मुश्किल होगा।
ठीक है, फिर आपको आई क्लास में ये सारे फॉर्मूले कवर करूंगा। ठीक है, चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फाइल मैं आपको भेज देता हूं ग्रुप में, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।